गुड आफ्टरनून बेटा. यस, सो टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सीनरी. होप यू ऑल आर रेडी. बट प्रायर दैट वी नीड अ शीट, अ ड्रॉइंग बुक. सो एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू कम. प्लीज कीप अ ड्रॉइंग बुक, अ पेंसिल, इरेजर, अ ऑयल पेस्टर कलर बॉक्स. ओके, सो आपको क्या बनाना है आज? आज हम बनाने जा रहे हैं अ सनसेट सीनरी, अ इजी सनसेट सीनरी. सो होप यू ऑल आर रेडी. तो सबके पास ड्राइंग है, इरेजर है, पेंसिल है और ऑयल पेस्टल कलर होना चाहिए. सो लेट स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देयर इज अ सीट. देयर इज अ सीट इन माय हैंड. ओके, सो ड्रॉ हाफ पार्टीशन. आपको अपनी सीट का हाफ पार्टीशन लेना है और वहाँ पे क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है. एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है. सबको इजीली विजिबल हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? ओके भूमि, शौर्य मिश्रा, सबको इजीली विजिबल हो रहा है बेटा? ओके, सो ड्रॉ अ हाफ पार्टीशन ऑन योर पेपर. एक लाइन बनानी है और एक हाफ सन बनाना है आपको. इस पे ऑन द राइट साइड ऑफ योर पेज आपको हाफ सन ड्रॉ करना है. ओके, और आपको स्टार्टिंग से आपको क्या करना बेटा? ऐसे पोर्शन ड्रॉ करना है. ओके, इज इट विजिबल? दिख रहा है बेटा ये? सो ये आपकी पेंटिंग की स्टार्टिंग है. अब हमें ऊपर शेडिंग देनी है. हमें सन के ऊपर शेडिंग देनी है. किस चीज़ की? आपके सनसेट से रिलेटेड इन मोमेंट की. सो हमें क्या चाहिए? वी नीड डार्क येलो कलर. डार्क येलो कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर. सो व्हाट वी नीड? वी नीड थ्री कलर्स. येलो, दैट इज लेमन येलो, डार्क येलो एंड रेड एंड ऑल्सो ऑरेंज. सो लेट गेट स्टार्ट. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद आर ऑरेंज कलर. वी विल स्टार्ट विद आर ऑरेंज कलर फ्रॉम द, यस बेटा, From the upper starting. आप अपने कलर को एक ही तरफ से मूव करोगे. अपने कलर को जब भी आप मूव करोगे तो उसका पैटर्न आप हमेशा सेम डायरेक्शन में रखोगे. ओके, ट्राई टू फॉलो द सेम डायरेक्शन. अगर आप वर्टिकल लेकर चल रहे हो तो आपको वर्टिकल लेकर चलना. अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस में लेकर चल रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में लेकर चलना है. ओके, और अगर आप बॉटम साइड से करते हो तो आपको बॉटम में लेमन येलो का यूज करना है. आपको बॉटम में क्या करना है बेटा?
लेमन येलो का यूज़ करना है। यस, हमें स्टार्टिंग में लाइट येलो और लेमन येलो करना है, और जैसे जैसे हम अपर साइड जाएंगे हमें क्या करना है, हमें अपने कलर के शेड को डार्क करते जाना है। लाइक मैम ने नीचे लेमन येलो यूज़ किया है, देन हमें क्या करना है, ऊपर इसका डार्क येलो पैटर्न लेकर आना है। अब हम इसका डार्क येलो शेड यूज़ कर रहे हैं ऑन इट, ओके। और जब डार्क येलो शेड आपका कंप्लीट हो जाता है, वेन एवर यू कंप्लीटेड योर डार्क येलो शेड वेर यू आर कलरिंग, देन वी हैव टू टेक द नेक्स्ट शेड, दैट इज योर ऑरेंज कलर, दैट इज योर ऑरेंज कलर, ओके बेटा। सो मैम ने पहले बॉटम में लिया था लेमन येलो, देन हमने लिया योर डार्क येलो। सो अब हम क्या लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक आर ऑरेंज कलर, वी आर गोइंग टू टेक आर ऑरेंज कलर, और हम ऑरेंज कलर को भी डार्क येलो से मिक्सअप करते हुए, ऑरेंज कलर को भी हम क्या करेंगे, डार्क येलो से मिक्सअप करते हुए ऊपर लेंगे, ठीक है बेटा। सो आपने क्या किया, आपने ऑरेंज कलर को डार्क येलो के साथ मिक्सअप करते हुए लिया, ओके। सो वी कंप्लीटेड आर ऑरेंज कलर, ओके। और ऑरेंज कलर के ऊपर भी आपको एक कलर यूज़ करना है, दिस इज़ योर नेक्स्ट कलर, एज आई टोल्ड यू दिस इज़ योर कलर रेड। ओके, सो हेज अनुराग सुखवाल, मैम प्लीज़ ड्रॉ ऑन द बोर्ड, बेटा दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड, ठीक है। सो आपको ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ओके। मैम सिटिंग डायरेक्शन इज अपोजिट, बेटा कैमरे के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ओके ओके ओके। आई विल रोटेट दिस पिक्चर, इज इट ओके राइट नाउ, अभी ठीक है सबके लिए, ओके अग्रिमा। सो हियर आई एम गोइंग टू कलर विद रेड कलर, आप सबसे अपर साइड में जहाँ पे आपका ऑरेंज फिनिश हुआ था बेटा, आपको वहाँ पे क्या करना है, रेड कलर को मिक्सअप करना है, रेड कलर को क्या करना है बेटा, मिक्सअप करना है, ठीक है। सो दिस इज द कलर दैट वी वॉन्ट, इज इट टू विजिबल एवरीबॉडी, ठीक है बेटा। सो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने दो कलर्स देख लिए थे ऊपर में, पहला क्या था आपका, यस। सो इट्स टाइम फॉर मिक्सिंग, वी आर गोइंग टू मिक्स इट, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो ठीक है, अदरवाइज कोई कॉटन का कपड़ा लेना है, यस अर्शिका। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे लेमन येलो किया था, देन हमने डार्क येलो लिया, फिर हमने ऑरेंज लिया, और फिर बाद में हमने रेड लिया, और हम जा रहे कलर को मिक्सिंग करने के लिए, कलर्स को मिक्सिंग करने के लिए। सो टेक अ कॉटन, ओके, एंड स्टार्ट मिक्सिंग फ्रॉम द बॉटम साइड
टू द अपर साइड. ओके, मिक्स इट वेरी वेल. ओके, आपको इसे क्या करना है बेटा, आराम से इसे मिक्सअप करना है ताकि जो दोनों कलर हैं आपके पास, ताकि जो हमने दो दो कलर्स इसमें यूज़ किए हैं वो कलर्स एक दूसरे के साथ साथ क्या हो जाएं, मिक्स्ड हो जाएं. और जो शेड आप चाहते हो आपकी पेंटिंग पे, यू कैन सी इट ओरिजिनली. ओके, यू कैन सी इट ओरिजिनली ऑन द स्क्रीन और ऑन योर सीट. सो नाउ आई मिक्स्ड इट वेरी वेल. हेयर आई मिक्स्ड इट. ओके बेटा, सो इट्स टाइम टू फिल द कलर इन द सन. सो आपका स्काई का कलर पूरा मिक्स्ड हो गया है. सो कमेंट में किस किस ने अपने स्काई में कलर कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आर सन. वी आर गोइंग टू कंप्लीट आर सन कलरिंग. ओके, तो हियर अगेन टेक द लेमन येल्लो. टेक योर लेमन येल्लो एंड लाइटली फिल इट. ओके, नॉट फुली, पार्शली यू हैव टू फिल विद द बॉर्डर. आप बॉर्डर को साथ लेकर इसको पार्शली फिल करोगे. ओके, एज वी नीड टू गिव अ लाइट शेड, सो यू कैन ऑल्सो फिल वाइट वाइट कलर इन इट. ओके, यू कैन ऑल्सो फिल वाइट कलर इन इट. ओके, सो द सन is lighter. The sun is, you can see the sun is lighter or brighter on your screen. Okay, here as we need to complete the sun and looking different from the other sky, so we need to give a complete finished line. So Mamta ma'am ne kya kiya, orange color se iski outline ki और थोड़ा सा इसे रेडिश कलर, थोड़ा सा मैं रेडिश कलर फिलअप किया है. ओके, एंड ऑल्सो हमें क्या करना है, हमें इसे भी क्या करना है बेटा, हमें इसकी भी मिक्सिंग देनी है. क्या क्या देनी है हमें, फ्रॉम द इनर साइड्स. आप इसको अपनी फिंगर से भी कंप्लीट कर सकते हो. ओके, अगेन, ओके, सो यू कैन सी योर सन. यू कैन सी योर सन इज हियर. ओके, सो राइट नाउ It's time to complete our next part. Okay, that is the bottom part. And for completing the bottom part, I have to rotate this page. अब मैम को दोबारा पेज को रोटेट करना पड़ेगा ताकि मैम आपको अच्छे से कलर दिखा सके. So now you can focus this area. ये आपका water body होगा और ये आपका grassland बनेगा. Okay? So very good Prabhrup, Himandri. So you can focus on the screen right now. So firstly we are going to complete. What are we going to complete? We are going to complete the water area. Okay? So as I draw there the part of grasslands. Okay,
सो नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द वाटर बॉडीज. तो आपने शाम को देखा है ना, जब सनसेट होता है तो पानी पे जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो क्या होता है बेटा, आपके आसपास की वाटर बॉडी भी क्या हो जाती है, इट्स ऑल्सो लुकिंग येलो. तो आपका वाटर भी यहाँ पे क्या होगा बेटा, येल्लोइश होगा. क्या होगा, आपका वाटर भी येल्लोइश होगा. सो फर्स्टली हमने क्या करना है, हमने दोबारा एक सन का रिफ्लेक्शन बनाना है, हमें दोबारा एक सन का रिफ्लेक्शन बनाना है. सो यू हैव टू ड्रॉ अपोजिट सन, यू हैव टू ड्रॉ अपोजिट सन इन द वाटर लेवल. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस. सो अगेन वी नीड टू फिल दीज थिंग्स, वी नीड टू फिल दीज थिंग्स विद लाइट लेमन येल्लो, विद लाइट लेमन येल्लो. यस बेटा, एंड डार्कन. और साथ साथ में हमें क्या करना बेटा, हमें साथ साथ में इसे डार्क भी करते जाना है. सो अगेन वी विल यूज डार्क येल्लो, लाइट येल्लो विद इट आ डार्क येल्लो एंड एट द एंड वी नीड टू ड्रॉ योर ऑरेंज कलर. वी नीड टू कंप्लीट इट विद द ऑरेंज कलर. ओके, ओके बेटा. और एट द एंड वी नीड टू कंप्लीट इट विद द विद रेड. सो टेक योर कलर्स विद योर शेड, टेक योर कलर्स विद रिगार्डिंग शेड्स. आपने स्टार्टिंग में लाइट येल्लो लिया, ओके बेटा, आपने क्या लिया, लाइट येल्लो लिया. फिर लाइट येल्लो के साथ आपने क्या किया बेटा, थोड़ा सा डार्क येल्लो आपने उसमें मैच किया, ओके बेटा. और डार्क येल्लो के साथ साथ में हमने क्या किया, ऑरेंज कलर की आपने फिनिशिंग दी. ओके, गेटिंग ऑर नॉट? और जैसे कि हमने कहा था कि हमने यहाँ पे क्या बनाया बेटा, आपका सन हल्का सा ड्रॉ किया है, इसलिए हमें सन का भी शेड देना है. ओके हिमांद्री, सो अगेन वी आर गोइंग टू मिक्सिंग दिस वन. ओके, मिक्स इट स्लोली, आपको ज़्यादा हरीनेस नहीं दिखाना है. ओके, सो यू हैव टू मिक्स इट स्लोली विद योर लाइट हैंड्स. ओके बेटा, सो आपको जहाँ ज़्यादा वाइटनिंग देनी है आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको अपने वाइट कलर का भी यूज़ कर लेना है. ओके बेटा, सो हियर मैम ने कुछ रेड कलर के पैचेस दिए हैं जो आपको वाटर आपकी बॉर्डर वाटी बॉडी में वाटर के लेबल को दिखाएंगे. ठीक है, सो अगेन वी कंप्लीटेड द वाटर बॉडी, वी कंप्लीटेड द वाटर बॉडी. ओके, सो
Now, it's time to draw the grassy area in this portion. Okay? So, are you ready for this portion? Okay. Good, beta. So, we should firstly give some light lemon yellow, yellowish background again. Okay, you can see some yellowish background. And now pick the dark green shade. Pick the dark green shade from your box. No, but this is not orange. Bhumi Atera, this is the light green, okay? You can also say it lemon green, lemon yellow. And now we are going to pick the dark green, okay? Put your dark green like this. ठीक बेटा, तो आपको एंडिंग को टच करते हुए आपको क्या करना है, आपको अपने आपको अपने क्या करने हैं, लाइट ग्रीन को कंप्लीट करना है. नाउ यू कैन सी बेटा, कलरिंग दिख रही है सबको? हमने क्या किया, हमने डार्क ग्रीन का शेड पिकअप किया है. और एट द लास्ट वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लैक कलर. अब हम लास्ट में क्या लेने वाले बेटा, हम ब्लैक कलर लेने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले हम ब्लैक कलर से इन सबको क्या करेंगे, आउटलाइनिंग देंगे. तो आप ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग देने वाले हो इस पोर्शन को जो हमने ग्रासी एरिया ड्रॉ किया है. ओके, और दिस एरिया ऑल्सो. ठीक है बेटा, तो आपने ये ब्लैक कलर लिया और ब्लैक कलर से आपने इसका आउटलाइन ड्रॉ किया. अब हम क्या करने वाले बेटा, ब्लैक कलर का यूज़ करते हुए हम सन के नीचे भी एक आउटलाइनिंग देंगे. ठीक है, जो सन और वाटर लेवल और स्काई के बीच में क्या करेगा, पार्टीशन बना रहा है. ओके, सो राइट नाउ यू हैव टू, आपको अपने ब्लैक कलर का यूज करते हुए नीचे तक आना है और आपको इसमें ब्लैक कलर भी मिक्सिंग करना है. ठीक है, ओके. एज ए हम जैसे जैसे नीचे आएंगे बेटा, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, अपने ब्लैक कलर को थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे. ठीक है, नाउ गेटिंग और नॉट, आ रहा है बेटा सबको समझ में? सो अब हम दोबारा क्या करने वाले बेटा, हम मिक्सिंग करने वाले हैं अपने कलर को.
ठीक है। फिर से दोबारा आपको अपना कॉटन का कपड़ा लेना है चित्रेश, वेरी गुड बेटा। आपको क्या करना है, कॉटन का कपड़ा या फिर आपके पास जो भी हो उसे यूज़ करना है। और फिर से हम क्या करेंगे, हम मिक्स करते जाएंगे इसे, क्या करेंगे बेटा, जब भी कलर को मिक्स करते हो तो ट्राई किया करो कि जो कलर है ना वो आपका एक ही वे में चले, आपका पूरा कलर, ठीक है। अलग अलग एक बार इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना हो, ओके ओके बेटा। सो हियर यू कैन सी मैम ने क्या किया, पूरे कलर को जो पहले लाइट ग्रीन है उसको ऐसे मिक्सअप कर लिया है। नाउ इट्स टाइम, अब हम ब्लैक कलर के साथ इसे मिक्स करते हैं। दिख रहा है बेटा, सो हियर वी आर मिक्सिंग द ब्लैक कलर एंड द डार्क ग्रीन कलर। स्लोली एज आप सबको मिक्स करना है तो स्लोली हैंड से अप करना, ज़्यादा तेज पुश करोगे तो आपकी सीट क्या हो जाएगी, टेयर अप हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। हाँ यस बेटा, सो हियर यू कैन सी वी हैड मिक्स्ड इट देयर। And now we are going to mix the outline. We are going to mix the outline that we had. और यहाँ पे जो एरिया आपने छोड़ा है उसमें आप क्या करोगे, you will fill the brown color in it, okay? Because ये कौन सा पार्ट है, ये जमीन का वो पार्ट है जहाँ से आपकी सॉइल नजर आ रही है, ओके, गेटिंग ऑन नॉट, सो मिक्स इट ऑल्सो। ओके बेटा, सो as we completed our mixing colors, okay, as we completed our mixing colors, so now it's time to draw a tree on it, okay, a coconut tree. सो मैम क्या कर रही है, मैम आपका कोकोनट ट्री ड्रॉ करने के लिए मैम पेंसिल का यूज़ कर रही हैं, और पेंसिल है आपकी 10B है, आपकी अप्सरा की है, कैलामाइन की जो भी है, कैमलिन की पेंसिल है 10B, तो आप 10B ले सकते हो इसको ड्रॉ करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो हियर हमने क्या किया, यहाँ से एक ट्री लिया, दिख रहा है बेटा, अगेन आई एम टेकिंग अनदर ट्री फ्रॉम देयर, ओके। सो आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है ताकि हम यहाँ पे कोकोनट की लीव्स बना सकें। आपको दूसरे में भी इसे डिवाइड करना है, ओके। सो लेट्स, मैम ने दोबारा आपका पेज रोटेट किया ताकि आप लोगों को कोकोनट की ट्री बनानी आ जाए। खुशवंत सालवी, व्हाट आर यू राइटिंग बेटा,
यू कैन सी, जब भी आप इसे ड्रॉ कर लेते हो तो जब भी आपको ट्री बनानी बेटा, आपको क्या करना है, ओके यस बेटा, एच बी 10 यूज कर सकते हो अदिति मीना, वेरी गुड बेटा. कौन सी शेड यूज करनी है आपको, एच बी 10 शेड यूज करनी है. ठीक है बेटा. सो ये मैम ने इसकी पत्तियां ड्रॉ की हैं. नेक्स्ट में भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट में भी देख सकते हैं. ओके ठीक है बेटा. तो यू कैन सी ओके यस. तो अब क्या करना है, हमें अपनी लिप्स को डार्कन करना है. हमें अपनी लिप्स को क्या करना है बेटा, थोड़ा डार्क शेड देना है. तो पिकअप योर पेंसिल, पुश इट हार्डर, जिससे आपकी लिप्स क्या हो जाएं, डार्कन हो जाएं. यस बेटा. सो यू कैन सी द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री एंड हाउ वी ड्रॉ, वेरी सिंपल. यस यू आर माई ब्रिलियंट चाइल्ड्स ना, सो यू कैन ड्रॉ इट वेरी इजिली. और आपको तो मैम से भी अच्छा बना के दिखाना है. सो वेन एवर योर स्कूल्स विल री ओपन आई विल सी योर ऑल ड्राइंग्स. ओके सो ट्राई टू, आपको क्या करना है बेटा, आपको अपनी पेंटिंग ट्राई करते रहना है. ओके प्रभुरू, वेरी गुड. सो हियर वी आर अगेन गोइंग टू डार्कन अनदर ट्रीज लीव्स. ओके ओके बट आपको नहीं लगता कि आपके पेड़ तो पत्तियां तो अच्छी बन गई लेकिन पेड़ कुछ ज़्यादा पतले रह गए. सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्टीम इज डार्कन फ्रॉम डार्क, और थोड़ा सा पहले बार से थोड़ा सा थिक करना है हमें इसे. ओके क्लियरली विजिबल हो रहा है बेटा, इफ देयर इज एनी विजिबिलिटी प्रॉब्लम सो प्लीज कमेंट फास्ट. ओके सो आई विल एडजस्ट. सो ये आपका हुआ बेटा दूसरा ट्री. और अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़े से कोकोनट भी लगे रहे तो ड्रो सम कोकोनट लाइक दिस. ओके सो आपका ट्री हो गया, आपकी बॉर्डर बॉडी हो गई. एंड अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़े से इसमें ग्रासेस लगाने वाले हैं. हम यहाँ पे थोड़े से ग्रासेस लगाने वाले हैं. सबको पूरी पेंटिंग नजर आ रही है बेटा, आपको पूरी पेंटिंग नजर आ रही है बेटा. ओके ओके बेटा. सो आपको दोबारा अपनी पेंसिल लेनी है और ऐसे करके आराम आराम से बहुत सारी घासें लगा देनी है.
यस आपको पता है सारी ग्रासेस सेम नहीं होती, सम आर लाइटर देन, सम आर हार्डर, सम स्मॉलर. सो आपको क्या करना बेटा, कुछ छोटी लाइंस बनानी है, कुछ बड़ी लाइंस बनानी है, कुछ स्लैंट लाइन बनानी है, कुछ ओके एग्जैक्टली द सेम यू कैन ड्रॉ देयर. ओके तो ये रही आपके बेटा कुछ पेंट, वो कुछ लाइंस रहे हैं आपके जो आपको इजली दिख रहे हैं. हम कुछ बर्ड्स लगाने वाले हैं जो कि बर्ड्स उड़ते हुए नज़र आएंगे आपको, कुछ बर्ड्स ड्रॉ करने वाले हैं जो आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे. तो आपको उसको उनके लिए थ्री का शेप बनाना है, हाफ थ्री, आप फुल थ्री नहीं बनाओगे. ओके वन टू ओके. और यहाँ पे आप थोड़ा सा वाटर पे भी शेप नज़र शेप दे दोगे, किसका, आपकी वाटर बॉडी के रिफ्लेक्शन का. सो हियर इज़ योर पेंटिंग जो आपने आज बना के कंप्लीट कर ली है. ठीक बेटा, ये आपकी सनसेट की पहली पेंटिंग है आपकी क्लास में. और आप इस पेंटिंग के अलावा अपनी और भी पेंटिंग इसमें रिक्रिएट कर सकते हो, अपनी और भी पेंटिंग्स इसमें रिक्रिएट कर सकते हो. ओके बेटा, और हम इसमें एक काम और कर सकते हैं. हम क्या करेंगे इसमें, हम एक डक ड्रॉ करते हैं बाय द नंबर टू, बाय द नंबर टू. सो ड्रॉ टू, इज इट विजिबल, दिख रहा है बेटा, ड्रॉ द नंबर टू. नाउ कंप्लीट द फेस ऑफ योर डक, मेक द ओके. सो हियर वी ड्रॉ अ डक, वी हैड ड्रॉन अ डक फॉर यू. ओके व्हाट नो चित्रेश, नो Not visible. Wait, beta. I will adjust it. Is it visible right now? Put the duck in the front of the camera. Okay. So here. Is it visible right now, beta? Ab aapko duck dikhi? Okay. आपको डक ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपको नंबर टू बनाना है. क्या करना है आपको, नंबर टू बनाना है. लाइक मैम आपको एक प्लेन पेज पे दिखाते हैं. लाइक यहाँ पे एक पेज दे रहे हैं मैम, और इस पेज पे क्या कर रहे हैं मैम, डक बनाना बता रहे हैं आपको. ड्रॉ योर नंबर टू. Complete the face. Okay. Okay, beta. So like this one.
यू कैन ड्रॉ दिस। सो आप उसने क्या किया, आपने इसमें आपने एक डक भी ड्रॉ कर दिया और ये रही आपकी पूरी कंप्लीट, ये रही आपकी पूरी कंप्लीट पेंटिंग। आप थोड़ा थोड़ा ब्लैक शेड और भी दे सकते हो वाटर बॉडी के लिए, ठीक है, उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए। ओके, टिल टेक केयर, कंप्लीट योर ड्राइंग एंड सेंड मी। बाय बाय बेटा। एंड अगेन यू कैन सी योर पेंटिंग इन अ फुल व्यू। ओके, लाइक मैम आपको एक बार लास्ट टाइम दिखा रहे हैं आपकी पूरी पेंटिंग, आपको कैसे ड्रॉ करनी है, अभी दिख रही है सबको, दिख रहा है बेटा? ओके, सो ये आपके सनसेट की पूरी पेंटिंग है और मैम आपको एक बार उठा के भी दिखा रहे हैं आपके सामने। यस,